श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपकी कुंडली देखना आप आज सीख जाएंगे और बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी और बहुत सी चीज़ें जो आप नहीं जानते वो भी आपको पता लग जाएगी। पहली और मुख्य बात मैं कह देना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट्स में आप लिख दीजिए जय श्री महाकाल या जो भी आपकी राय हो वो आप खुलकर लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, हर एक व्यक्ति की कुंडली में एक लग्न होता है, उसकी राशि होती है। 12 हाउस होते हैं और उसमें हर घर किसी न किसी क्षेत्र को दर्शाता है, जो सामान्य बातें हैं जिस बात को आपको समझना चाहिए। अब दूसरी बात है कि होता है कि बहुत से लोगों को ये होता है कि नीच का राहु है, शनि नीच का है या अन्य कोई भी ग्रह नीच का है तो हमारे पे क्या प्रभाव देगा, कौन सी महादशा चल रही है उसका हम पर क्या प्रभाव होगा, अंतरदशा चल रही है उसका क्या प्रभाव होगा, और न जाने कितनी टेक्निकल बातें जिन बातों को एनालिसिस करना बड़ा टफ भी होता है और जिसका सार निकालना वो भी बड़ा खतरनाक होता है। तो पहली और मुख्य बात है कि अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करना चाहते हैं या आप अपनी कुंडली को किसी को अच्छे ज्योतिषी को दिखाना चाहते हैं तो उससे पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो आप क्लियर कर लें। क्लियर करने से मेरा अर्थ यही है कि कुछ उपाय जिन्हें करने के बाद अगर आपको कोई लाभ नहीं मिलता तभी आप आगे बढ़ें, अन्यथा फ्री में आपका सब कुछ चीज़ें हो सकती हैं। मैं बहुत बड़ी बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, कोई मामूली बात नहीं शेयर कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कोई भी कंसल्ट लेना चाहते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ स्क्रीन पर मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, आप उस पर व्हाट्सअप करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चार्ज अप्लाई है, वहाँ से शुल्क लगेगा, नॉमिनल शुल्क है, कोई ज़्यादा शुल्क नहीं है। वहाँ से आप मेरा नंबर बुक करके आप बात मुझसे कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात आपके लिए नहीं है। दूसरी बात है कि कहीं सब कुछ एक पूरा एंगल बनता है, ट्राइंगल बनता है, लग्न में कौन बैठा है, दाम्पत्य भाव में कौन बैठा है, व्यय आय लाभ सब में अलग अलग बैठा और कौन सी दृष्टि किस पर हो रही है, चंद्र और सूर्य दोनों में अलग अलग तरह का एनालिसिस हो जाता है। अब बात यहाँ पर जाके आती है कि ये चीज़ें को समझना, पढ़ना, जानना बहुत टफ भी है और इसका एनालिसिस जो भी करते हैं वो भी सही तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जो ज्योतिष है वो समुद्र है, समुद्र भी छोटा है उससे भी भयानक है, केवल एक संभावना है जो है वो व्यक्त की जा सकती है और जो संभावना है वो ईश्वर है, ये बात जरूर याद रखिएगा। इसलिए अगर आपकी कुंडली में कोई भी बड़े से बड़ा दोष है, कोई सी भी बड़ी से बड़ी चीज है जिसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं या उपचार कर रहे हैं, उसका एक महा उपाय जान लिया आप, उसके बाद ही किसी को कुंडली एनालिसिस कराए, वो है 1,25,000 बार महामृत्युंजय का जाप। क्योंकि ये करने के बाद आपकी कुंडली के कोई भी ग्रह जाए, कितने भी नेगेटिव हो, कितने भी आपको फल नहीं दे रहे हो, वो आपको पॉजिटिव फल देने के साथ साथ आपके साथ चीज़ें जो नेगेटिव हो रही है वो सकारात्मक होगी। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि 9 के 9 ग्रह जो हैं, कि जो महादेव हैं हमारे, उन्हें राक्षस और देवगण दोनों मानते हैं। इसलिए अगर आप उनका 1,25,000 बार महामृत्युंजय का जाप कर लेते हैं स्वयं, एक बात इसमें यह भी ऐड कर ले स्वयं, तो दोस्तों आपकी बहुत सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। अब आप कैसे करेंगे आप ये भी एक बार समझे, या तो आप मोबाइल में डाउनलोड कर लो, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, अपने कान में एयरफोन लगा के सुनिए, वक्त खाली रहता है उसमें सुनिए। दूसरा, एक बाजार से महामृत्युंजय का बजने का मिलता है, बहुत नॉमिनल खर्च में होता है, 200-250 से ज़्यादा का नहीं होगा, वो आप बाजार से खरीद सकते हैं। तीसरा है आप खुद जाप करें कंटिन्यू, और चौथा बात है कि आप मन में उसका जाप करें, मोल से बोल कर, जोर जोर से गा के करें, बोल के करें, ये बहुत बड़ा उपाय। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।